हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। 10 जुलाई को मंगलौर में वोटिंग है। सीधा लगातार हम मंगलौर के हर गांव में जा रहे हैं, पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया किसका माहौल है। और लगातार हमने कई पुरुषों से पूछा, युवाओं से पूछा, लेकिन आज पूछने के लिए हम यहां रुके हैं या महिलाएं हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक जो 25 साल से हाजी काजी साहब यहां के विधायक रहे, चैन चलती रही, पुश्तैनी पूर्वज आए गए बनते रहे आए, तब से बीजेपी नहीं आई। लेकिन बीजेपी क्यों नहीं आई, रीजन भी पूछेंगे इनसे। और यहां जानने की कोशिश करेंगे कि 20-25 साल से जितने भी हाजी काजी साहब यहां रहे तो फिलहाल के तौर पर इनका क्या सुरक्षा की दृष्टि से सही था या और कोई रीजन रहा, या फिर इस बार माहौल कैसा है, वो भी पूछेंगे। एक बार इधर आजिए, क्या कहना चाहेंगे जी इस वक्त यहाँ इस गांव का, या आप क्या सोचते हैं कि अभी तक फिलहाल का माहौल कैसा है? अब तक का तो ठीक नहीं माहौल है, अब नरेंद्र मोदी के राज में कुछ ठीक है ज्यादा। अच्छा, हाँ जी, नरेंद्र मोदी के राज में तो ठीक है। नहीं, अभी ये फिलहाल के दौर पर इसकी बात, अभी मैं फिलहाल कोशिश बताई कि अभी फिलहाल में किसका, अभी सोचे हैं हाजी काजी साहब का राज था मंगलौर में, क्या लगता है सुरक्षा की दृष्टि से कितने आप सुरक्षित महसूस करते थे? कुछ सुरक्षा, क्या परेशानी क्या आती थी? परेशानी थी भाई, जब शांति से जा नहीं सके थे, आ नहीं सके थे। कैसे मतलब, जैसा कि सुरक्षित जाए एक बार तो वो तो सुरक्षित हो गया, अरे एक नूडल रैक पता नहीं हाई जा पाएंगे कि नहीं। अच्छा, मंगलौर में मतलब महिलाएं डरती थी कि भैया? मैं डरती थी। क्या कह रहे हैं? डरते मंगलौर में जाते हुए गलियों में डर लगा था मंगलौर में निकलता हुआ। अच्छा, कैसे? हाजी काजी के राज में सुरक्षा की उत्सव। अच्छा, जगह जगह मुसलमानों के लड़के खड़े। नहीं नहीं, वो चलता रहेगा जी, वो तो चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल के तौर पर मतलब दिक्कत परेशानी किस बात के लिए? भीड़ की वजह से छेड़खानी करता मुसलमानों के लड़के उधर। अच्छा, और फिलहाल के तौर पर एक और चीज बताइए कि अभी यहाँ पर इन 20-25 साल में क्या बदला है, मतलब क्या लगता है कि यहाँ पर जो विधायक रहे हैं कांग्रेस से रहे हैं बसपा से रहे हैं, इस बार माहौल किसका चल रहा है? इस बार तो बनाना जी का चल रहा है, यानी कि फूल का चल रहा है। बाकी 20-25 साल से कोई भी तरक्की नहीं हुई। अच्छा, हमारी मंगलौर विधानसभा में कोई सड़क वड़के सब बेकार है, उबड़ खाबड़ है, गड्ढे हो रहे हैं, रात के समय पे हादसे भी हो रहे हैं। अच्छा, तो कोई भी व्यवस्था नहीं है ठीक उनकी। अच्छा, हाँ, तो मतलब क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं मंगलौर में, अगर आप हैं इस राज में अगर रहता है कांग्रेस बीएसपी के जितने भी राज रहे हैं, हाजी काजी साहब के रहे, सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं, एज ए महिला के नाते मैं फ्री में घूम सकती हूँ, आराम से जाऊँ, मुझे टेंशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं? जी ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी अपनी चौकसाई से जाना पड़ता है, अपनी सावधानी रखनी पड़ती है, बाकी उनकी और से कोई वो नहीं है। अच्छा, कि लेडीज के लिए कोई फैसिलिटीज कर रखी है या गाड़ी वाड़ी में कुछ ऐसी व्यवस्था की लेडीज के लिए मतलब डर लगता है यहाँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जी फिलहाल में, तो माहौल किसका चल रहा है यहाँ पर? किसका चल रहा है माहौल? कोई नहीं, अच्छा बताइए किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर? यहाँ से मोदी का है? मोदी का। अच्छा, मोदी की टीम का चल रहा है, मतलब यहाँ करतार बढ़ाना मोदी की टीम से? हाँ जी, बहुत खुश, हम तो मोदी की टीम से बहुत बढ़िया। अच्छा, हम तो खुश हूँ बिल्कुल, जो मोदी साहब हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी, आप मोदी साहब को देख रहे हैं, मतलब मोदी साहब की पार्टी को देख रहे हैं, बीजेपी को देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को देख रहे हैं। हाँ, यहाँ जो कांग्रेस और बसपा वाले हाजी काजी रहे उनका क्या रहा फिर? देखो जी, उनका तो मुझे इतना पता नहीं, क्यों जब हम बाहर नहीं निकलते इतना खास मुझे पता नहीं। देखो, मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ? आप आगे क्या कहना चाहेंगे? मोदी का ही सही है, मोदी का, कमल का फूल बीजेपी को वोट देंगे। सुनने में आया कि आप बता रहे थे फिलहाल के तौर पे कि आपने परिवार के लोगों को भी कुछ बोल रखा है कि भैया 9 तारीख को समझे, क्या क्या कि सब 9 तारीख को आ जाए, 10 को वोट गिरनी। अच्छा, कहाँ है आपके परिवार के लोग इस टाइम? इस टाइम सर्विस करें, सब बाहर है, यहाँ से बाहर रहते हैं, तो सब यहाँ वोट देने आएंगे या फिर पता चला? वोट देने आएंगे, सब वोट देने आएंगे। अच्छा, सबका वोट बैंक किधर है? आप सोच के चले किधर आप सोच रहे हैं सारे? बढ़ाना की तरफ। अच्छा जी, करतार बढ़ाना। हाँ। अच्छा, आप सबके परिवार हैं वो अगर 10 तारीख को वोटिंग है, क्या आप 9 तारीख को सबको बुला लिया? आप सबने? सब आ जाएंगे, सब बच्चों का रखा नौकरी को, सब 9 तारीख मान लिया सब। अच्छा, बढ़ाना जी को वोट डाल। ना आए तो नहीं आएंगे, आने के क्यों नहीं? ना आए कि भैया वोट ना, कि बहाना लगा दिया बच्चों ने? बच्चों ने बहाना नहीं करना, पकड़ के वही कमल पे लगवाऊंगे हम वोट। अच्छा, हाँ, अपने परिवार को कहीं भी जा रहे हैं कमल पे लगवाएंगे? कमल पे लगवाऊंगे बिल्कुल, बीजेपी कहीं भी रहे आसपास बुला लिया सबको, बीजेपी कोई जिताऊंगे वहां से ही बुला।
निकालेंगे जहाँ भी होंगे खींच। देखिएगा ये आपको सीधा सीधा है कि भैया इनके परिवार के लोग बाहर नौकरी पेशे में बाहर है, मतलब यहाँ से मंगलौर से बाहर है, खींच खींच के बुला रहे हैं कि 9 तारीख को यहाँ मौजूदगी चाहिए, 10 को वोटिंग करवानी है, ऐसा। हाँ जी, कमल का निशान, कमल पर निशान लगाना है। कोई और किसी को चाह रहा हो घर वाला? तो नहीं, हाथ पकड़ के वहीं लगवाऊंगा, कमल पर ही नहीं, हिम्मत नहीं किसी की। कुटेंगे पकड़ के घर वाले? हाँ, कुटेंगे पकड़ के, जो इधर उधर चला जाएगा कोई। हाँ जी, बच्चा अगर चला गया ना तो मैं तो जी कांग्रेस में ना तो बीएसपी पे जाऊंगा, ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं जाने का, बच्चा कमल पर वोट देगा। कुटेंगे पकड़ के? हाँ, कुटेंगे हाथ पकड़ के, बच्चा का वही लगा, कमल पर लेकर जाऊंगे। अच्छा, सोचिए अगर बच्चा है तो भैया ध्यान से सुन लो, कई माओ से कहते बच्चे लोग हैं ना अपने आप को सोचें शाने बन रहे हो कि भैया इधर जा रहे हो तो पहले घर वाले से पूछ लेना, ऐसा ना कुटाई हो जाए तुम्हारी, क्योंकि माता पिता चाह रहे हो बीजेपी पे जाना और बच्चे कहीं और, माँ बाप की भी तो सुननी जरूरी है भैया, लेकिन वो तो स्वतंत्र है ना, हम तो कि वो जहाँ भी डालते हैं वो ना बताएं फिर आप। नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं करने का, हमारे बच्चे कमल पर ही देंगे वोट। पूछ लोगे? लेकिन हाँ बिल्कुल जी, ऐसे है कि बच्चे उच्चे अगर आपके दो उधर भटक गए और ना अलग नहीं, भटकने के नहीं, कमल को ही देंगे। आप भी तैयार बैठे कूटने के लिए? आप भी अभी लेके बैठेंगे बच्चों के लिए? इधर उधर भटक गए, बुला लिए परिवार से? परिवार से बुला बुला लिए, दूर दूर रहते आप सब? दूर दूर यहाँ भी तो आप बोल दिया आने के लिए? मारता यहीं जहाँ कंपनी में सांझ को। अच्छा, सांझ को? अच्छा, 10 तारीख को तो सब मौजूद यहीं पर है। अच्छा भाई साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हो, आप भी आ जाओ थोड़ी देर के लिए, आ जाओ आ जाओ, बहुत साइड में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, इधर ही आ जाओ भाई साहब। कोई नहीं, अभी तो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा था, आप भी खड़े हैं, उतावलापन बहुत देर से देख रहा हूँ आपका, बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, किसका माहौल है मंगलौर में? देखो मंगलौर में मैं आपको बार बार इसी बात को बता रहा हूँ, माहौल तो जो है हाजी और काजी का ही रहता था। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, अभी तो जुनून बहुत तेज दिखा, हल्के हो गए। हाजी और काजी का इस वजह से रहता है कि हाँ, जो हमारी मंगलौर की जनता है वो अशिक्षित है, और अशिक्षित होने की वजह से उन्हें विकास का उन्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छा, तो आप चाहते उन्हें सिर्फ ये पता है कि हमें बच्चे बनाने हैं और बच्चे बना के। देखिए देखिए, नहीं नहीं, ये मैं स्टेटमेंट नहीं लूंगा आपसे ना, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ विकास के माहौल की बात कर रहा हूँ, वो बना रहे हैं, उनका हक बनता है, उनके राइट्स बनते हैं, मैं इसमें स्टेटमेंट नहीं लूंगा, स्टेटमेंट नहीं लूंगा, सीधा सीधा मेरे लिए सब भाईचारा है, मेरे सब भाई बंधु है। हाँ, वो उनका पारिवारिक है, उनका फैमिली में मैटर, उनका प्रेम है, जो भी होगा। आप बताइए कि किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो जो है फिलहाल ये बीजेपी का ही। अच्छा, तो मंगलौर में क्या हालात अभी तक हाजी काजी साहब के ब्याह में क्या रहे? हाजी काजी का इस वजह से नहीं रहेगा क्योंकि इन लोगों ने कोई विकास नहीं किया, इन्होंने वोट जो लिए है वो सिर्फ जाति के आधार पे ले रहे हैं। अच्छा, जाति के आधार पे इन्होंने जो है लोगों को बांटा है और बांटने पे जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, और बीजेपी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। अच्छा, वो सबको एक साथ ले रही है, ना वो मुस्लिम को जान रही है, ना वो किसी अच्छी समाज को जान रही है, ना ओबीसी को। मोदी जी भी यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी भी उसी कदम पे चल रहे हैं कि उत्तराखंड में सभी को एक साथ लेके चलना है। इसी वजह से मंगलौर सीट को भी वो पिछड़ा हुआ मान रहे हैं, जिस वजह से जो है मंगलौर सीट पर जो है पूरा जोर है कि भाजपा सरकार पे ही ये हमारी जो है सीट जाएगी। करतार बढ़ाना बोलते हैं कि अगर मैं जीत जाता हूँ 2.5 साल के बीच में मंगलौर को बंगलौर बना दूंगा, मतलब हाईटेक जो है, तो जो समस्याएं हैं जितना हो सकता है उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, क्या कहेंगे अगर ऐसा हो जाता है, जीत जाते हैं यहाँ पर जो भी काम है आपके ऑलमोस्ट अधिकतर होने लग जाए तो क्या रहेगा? वो तो बहुत अच्छा रहेगा जी, सारा काम बढ़िया करेंगे, करतार सिंह बढ़ाना तो। अच्छा, पहले ही मन में खुशी है आपको? अच्छे नेता है हमें तो। हाँ जी, तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? बढ़ाना ही जीतेंगे देखियो। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए जो मेरे को सुनने में आई मंगलौर में, जब चुनाव का प्रतिशत वोट बैंक होता है तो आप सबका वोट बैंक, घर से आप निकलते हैं नहीं, घर से आप निकलेंगे नहीं तो वोट कैसे पड़ेगा? हैं, अदर पार्टी के वोट बैंक प्रतिशत तो पकड़ पकड़ के वोटिंग करा देते हैं, मान लीजिए तो फिर आप सब नहीं निकलेंगे तो वोट बैंक कैसे आपका रहेगा, मतलब कैसे फिर आप कर सकते हैं? ज्यादातर मैं बीएलओ हूँ, मैं वहीं पे ही बैठती हूँ जहाँ पे वोटिंग होती है। मैं सबको अधिकतर बीएलओ के नाते से नहीं पूछूंगा मैं, आप ग्रामीण है, आप यहाँ घर में रहते हैं, आप एज यहाँ के नागरिक के तौर पर आपसे गाँव के निवासी के तौर पर पूछना है। नहीं जी, हम फोन करके उनके घर घर जाकर उन्हें बुला के लाएंगे कि अपना वोट डालो। अच्छा, ये बहुत जरूरी है, तुम्हारा हक है डालने। हमारी वोट तो कटनेगी नहीं। हाँ, क्यों, हम तो वहीं रहेंगे, स्कूल में ही ये भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। अच्छा, बहुत तो, देर में अम्मा निकल के आ रही, वरना शांत खड़ी थी। हाँ, बोलिए। हाँ, नहीं तो कह रही बस मोदी का ही हो। अच्छा, हाँ मोदी अच्छा लगा हूँ। अच्छा, मोदी साहब हैं, सीधा सीधा कहें, नो डाउट, देखिए मोदी साहब हैं, मोदी साहब की वजह से चैन नीचे तक जाती है, नो डाउट, मोदी साहब की वजह से लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए, करतार सिंह बढ़ाना, नो डाउट, उनके हाँ उनको सिर्फ चिड़िया की उसमें वो दिखता है ना, उसे कुछ नहीं दिखता आपको, ऐसे हमें मोदी जी दिखते हैं। अच्छा, मोदी दिखते हैं, तो भैया मोदी पर बटन जाए, मोदी पर जाना, सीधा सीधा कहें कि बीजेपी पे उनको जाना है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप सबका एक ही विचार है कि इस बार यहाँ पर करतार बढ़ाना है, या हो सकता है कि आप शायद इनका अलग होगा, ये बोलना नहीं चाह रही हैं, आपका कोई और जा रहा हूं? नहीं, हम भी मोदी पे हो जाए, हो सकता है हाजी काजी साहब हूं ना जी, कोई नहीं है, ये अम्मा भी मुझे लग रहा है इसलिए दुखी है, हाजी काजी साहब ना बुलवा लें, ऐसा कुछ आप बोले जो मन में नहीं, जहाँ मैं रिपब्लिक हुई हम
तो पब्लिक तो अच्छा अच्छा जो सहेलियां जाएंगी जो भाई बंधु जाएंगे बटन भी वहीं दबेगा है। चलिए एनीवे ये महिलाओं की राय है, सीधा सीधा फंडा है कि सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित महसूस करती हैं हाजी काजी साहब के राज में, और सीधा सीधा फंडा है इस बार बदलाव चाहती हैं महिलाएं। अभी तक तो सारे चीज देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं से भी पूछें, जगह जगह थोड़ा सोच रहे हैं कि अभी कल 5 बजे तक का चुनाव प्रचार है, वो हम भी कोशिश करेंगे कि कवरेज करके बता सकें कि माहौल किसका है। तो चलिए बने रहिए, स्टेटमेंट बता रही है कि माहौल किधर जा रहा है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़, नमस्कार।